सो है वेलकम बैक गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है अपनी मुंबई सीरीज के और एक नए दिन और एक नई जगह पे। तो आज हम आए हैं नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा जो आता है ग्रैंड रोड एरिया में, मतलब ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन जो है वो काफ़ी नज़दीक है यहाँ से। ये देख सकते हो पूरा का पूरा ये जो एरिया है वो ग्रैंड रोड मतलब मलबार हिल एरिया है ना, वहाँ पे अभी हम लोग करंटली है। तो अभी यहाँ पे दो बिल्डिंग्स है, दो अपार्टमेंट्स है। पहला बिल्डिंग है ये गुलशन महल और सेकेंड अपार्टमेंट है ये। तो ये पूरे दो बिल्डिंग में डिवाइड किया गया है नेशनल सिनेमा, और इसमें आपको जो हमारी इंडियन फिल्म की जो हिस्ट्री है वो पूरी की पूरी बताई जाती है। और ये लोकेशन देख के आपको पता चला होगा या नहीं मालूम नहीं, लेकिन मुन्ना भाई MBBS जो मूवी है उसकी शूटिंग यहाँ पे हो चुकी है। तो टोटल 7 गैलरीज हैं इसके अंदर, जहाँ पे अपनी मुंबई से जो शुरुआत हुई थी इंडियन सिनेमा की, वहाँ से लेके एंड तक जो अभी तक जो डेवलपमेंट हुई है इंडियन सिनेमा में वो सब यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आना कैसे मैं बताया, तो आपको मतलब ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन उतरना है। ये मतलब ट्यूसडे से लेके संडे तक ओपन रहता है, मंडे के दिन क्लोज रहता है। मॉर्निंग 10 to 5 इसका टाइमिंग है। ग्रैंड रोड स्टेशन से हार्डली मतलब 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे अगर आपको चल के नहीं आना है, आप टैक्सी को भी बोलोगे इंडियन मतलब नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा, तो आपको यहाँ पे आके छोड़ देंगे। 30-35 रुपीज़ आपका मीटर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं गुलशन महल में, आपको जो गैलरीज है वो एक एक करके मैं जानकारी देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी हम चलते हैं हमारे गुलशन महल में, चलो। तो अभी हम लोग गुलशन महल जो है उसके अंदर आ चुके हैं। जैसे अब आ जाओगे यहाँ पे दो फ्लोर में है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे आपको टोटल 5 स्टूडियोज दिए गए हैं, जिसमें जो पहला है वो ऑरिजिन ऑफ सिनेमा। तो ये सिनेमा की जो शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी इसकी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। और जो टिकट प्राइस है यहाँ पे आने का वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। तो चलिए अभी हम चलते हैं हमारे पहले। अब जैसे ही अंदर आ जाओगे यहाँ पे बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन हम लोग सब कुछ आपको दिखा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइड भी रहते हैं जो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते, तो मैं इसकी जानकारी आपको दे देता हूँ। इसको कहते हैं प्रैक्सिनोस्को। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब जो ये बोलते हैं पेंट किया गया है, मतलब स्टिकर टाइप लगाया गया है यहाँ पे देख सकते। तो ये ऐसे आपको लगेगा, जैसे मैं गोल घूमूंगा ये देखिए वो चल रहा है ऐसे लगेगा। तो शुरुआत में जब इंडिया में सिनेमा नहीं था मतलब मोशन फिल्म्स नहीं थे, तब ऐसे ही करके जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की जाती है, वो 1877 में थी, ठीक है। उस टाइम ये ऐसे ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे है, यहाँ पे आके आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। सो जैसे आप यहाँ पे आ जाओगे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। ये ब्रदर्स है लुइस एंड ऑगस्ट, इसका नाम मुझे प्रोनाउंस सही से करने नहीं आया, लेकिन इन्होंने जो कैमरा इन्वेंट किया था 1985 में, जो फर्स्ट कैमरा था इन्वेंशन था मोशन फिल्म्स का, मतलब पहले भी यहाँ पे कैमरास थे इसके पहले भी, लेकिन उससे सिर्फ पिक्चर्स कैप्चर होते थे मोशन, मतलब अभी मैं चल रहा हूँ आपके सामने जो वीडियो फुटेज दिख रहा है ऐसे कवर करने के लिए जो कैमरास थे तो इससे पहले नहीं थे। तो इन्होंने 1895 में क्रिएट किया मतलब बनाया था, और उनके यहाँ पे फिल्म्स जो है वो दिखाए जाए, कुछ 6 शॉर्ट फिल्म उन्होंने कवर किए थे, वो यहाँ पे आपको जानकारी देखने मिल जाएगी, ठीक है। फिर ये जो कैमरा है वो हमारे इंडिया में बहुत जल्दी आया था। नॉर्मली क्या होता है बाहर के जगह पे मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो आती है, लेकिन यहाँ पे आने के लिए डिले हो जाता है, लेकिन ये 1895 में क्रिएट किया गया था, इन्वेंट किया गया था ये कैमरा, और 1896 में हमारे इंडिया में आ गया था। तो इसकी जो जानकारी इसके पीछे की बहुत सारी हिस्ट्री बहुत कुछ है यहाँ पे आपको सीखने के लिए, वो सीखने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी गई, देखिए पूरे के पूरे बोर्ड्स भी लगाए दिए गए, और यहाँ पे गाइड्स भी है जो आपको गाइड करते हैं, तो उसकी भी जानकारी है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम चलते हैं हमारे सेकेंड मतलब गैलरी जो है साइलेंट ईरा, मतलब इंडिया में कब शुरू हुआ था मतलब जो मूवीज़ है वो, ये तो बाहर के कंट्री से आए थे शॉर्ट फिल्म बनके, इंडिया में जो शुरुआत हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। चलो अभी हम हमारे सेकेंड पॉइंट पे आ चुके हैं, साइलेंट ईरा, ठीक है। तो इंडिया में कब से शुरू हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये जो कैमरा है ये IMO 35mm कैमरा, ये यूज़ किया जाता था उस टाइम वीडियो शूट करने के लिए, और ये ओरिजिनल कैमरा यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। और इंडिया में जो सबसे पहली फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र, आपने देखे या नहीं मालूम नहीं, लेकिन आप एक बार गूगल कर लेना आपको मिल जाएगी वो फिल्म। तो उस टाइम क्या होता था कि जो मूवीज़ है ना वो ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, अभी 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटे तक के मूवीज़ आपको देखने मिल जाते, लेकिन उस टाइम आपको उतने बड़े मूवीज़ नहीं थे, मतलब हार्डली 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स या फिर मैक्सिमम 45 मिनट्स तक के जो मूवीज़ है
वही रिकॉर्ड किए जाते थे। तो उस टाइम टोटल कुल 1300 मूवीज जो है वो कवर किए गए थे। तो वो यहाँ पे आपको रन करते हुए दिखाई देंगे, ये जो स्क्रीन लगाई हुई ना वहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे अलग अलग फिल्म और उनके नाम और कौन से ईयर में वो शूट हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हमें ये मतलब नया समझ आ चुका है, क्योंकि इसे उस टाइम के मूवीज के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन यहाँ के जो गाइड है उन्होंने हमें ये बताया कि उस टाइम क्या होता था कि जो मूवीज है ना वो सामने मतलब स्क्रीन जो है वो प्ले करते रहते थे और नीचे जो साउंड वाले जो रहते थे वो बैठते थे वहाँ पे थिएटर में। अभी कैसे आपको मूवीज और आवाज एक ही टाइम मिल जाता है, लेकिन उस टाइम कैसे होता था कि वो साइलेंट मूवीज हुआ करते थे। तो जो मतलब थ्रिलिंग सीन हो गया या फिर कोई डरावना सीन है कुछ है, तो उसके हिसाब से जो नीचे बैठे करते थे ना लोग वो जो है वो म्यूजिक प्ले करते थे। तो जो लोग वहाँ पे मूवी देखने जाते थे उनके लिए वो बेटर एक्सपीरियंस मतलब जो है वो देने का ट्राई करते थे, ठीक है। तो उस टाइम ऐसे होता था, इस टाइम अभी यहाँ पे ऐसे होता नहीं, पर यहाँ पे बहुत कुछ है देखने लायक, ठीक है। तो मैं इस मतलब ये बताते रहूंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं हमारे तीसरे यहाँ पे एलिमेंट ऑफ साउंड, ठीक है। चलो अभी हम चलते हैं हमारे तीसरे प्लेस में। सो अभी हम हमारे थर्ड सेक्शन में आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग कैमरा से देख सकते हो, उसको चुना मत, ठीक है। और ये है फर्स्ट जो फिल्म थी हमारी आलम आरा की कहानी और उसका एक्सपीरियंस। यहाँ पे जानकारी दी आलम आरा की कहानी करके पहली मूवी थी, इंडियन मूवी थी जिसके अंदर आपको जो साउंड आता था, जैसे मैंने आपको सेकेंड इसमें बताया कि सिर्फ जो पिक्चर है वही आपको शो किया करते थे, साउंड नहीं आता था। लेकिन ये फर्स्ट मूवी थी जो 1935 में की गई थी, सॉरी 1931। ये देखिए उसका पोस्टर, आलम आरा ऑल टॉकिंग एंड सिंगिंग एंड डांसिंग, ऐसे ही पोस्टर बनाया था, क्योंकि ये पहली मूवी थी इंडिया की जो कि आपको साउंड वगैरह जो प्रोवाइड की थी। और यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है वो आपको बताई जाएगी। तो ये है तीसरा पार्ट। अभी हम चलेंगे हमारे फोर्थ सेक्शन में, जहाँ पे आपको बताया गया कि अभी इंडियन सिनेमा को हुई मतलब शुरुआत जो हुई थी 1913 में हुई थी, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट 110 ईयर्स जो है कम्प्लीट होने वाले हैं हमारे इंडियन सिनेमा को, ठीक है। तो उसका जो मतलब बोलते हैं ना विकास कैसे होते गए इंडिया में अभी तक, वो सब जानकारी आपको अगले मतलब फोर्थ पार्ट से दिखाया जाता है। तो चलिए अभी हम चलते हैं हमारे चौथे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ना एवरी ईयर के जो फेमस मूवीज थे जिन्होंने मतलब बोलते हैं ना ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है इंडियन सिनेमा को, बट मतलब इंडियन सिनेमा के विकास में। तो ये देख सकते हैं कि 1930 से हमारा जो मूवीज है वो शुरू हुआ था राजा हरिश्चंद्र, मतलब जो फिल्म थी वो साइलेंट थी। फिर आप देख सकते हो 1931 जो मैंने आपको कहा कि वो मूवी आई जिसमें पहले मतलब साउंड वगैरह आपको दिखाया गया था। फिर जैसे जैसे आगे आते जाओगे जो मेन मूवीज है उनके पोस्टर यहाँ पे लगाए गए आप देख सकते हो। एक मेन बात ये है यहाँ की देख सकते हो अलग अलग लैंग्वेज के, जैसे कि ये सपोज ये हिंदी लैंग्वेज तो ये तमिल तेलुगु लैंग्वेज मतलब ये लैंग्वेज मुझे मालूम नहीं। तो देख सकते हो अलग अलग लैंग्वेज के जो मूवीज है वो अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूशन किया है इंडियन सिनेमा आगे जाने में। तो उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है और पूरा ये रूप जो है वो दिया गया है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मतलब जो मुन्ना भाई MBBS मूवी है उसकी शूटिंग यहाँ पे हो चुकी है। तो जो मुन्ना भाई मतलब जो है हॉस्पिटल दिखाता है उसका नकली हॉस्पिटल क्रिएट करता है, तो वो यही लोकेशन है वो देख सकते हो आप। और यहाँ पे हलचल करके एक मूवी है उसका भी शूट यहाँ पे हो चुका है। तो पहले जो ये गुलशन महल था ये नॉर्मली मतलब शूटिंग के लिए दिया जाता था, लेकिन अभी ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर होने की वजह से यहाँ पे जो म्यूजियम है वो शुरू किया गया, ठीक है। तो चलिए अभी हम चलते हैं हमारे पांचवें पॉइंट की ओर। चलो सो अभी हम हमारा जो फिफ्थ लोकेशन है वहाँ पे आ चुके हैं, स्टूडियो ईरा। मतलब पहले क्या होता था कि वो मेन लोकेशन पे जाके लोग शूटिंग किया करते थे, लेकिन आफ्टर दैट जो मतलब मूवीज़ की जो मतलब बढ़ती प्रसिद्धि को देखते हुए स्टूडियोज निर्माण होते गए। तो यहाँ पे आपको बताया गया था राइज ऑफ स्टूडियो सिस्टम, मतलब स्टूडियो प्रणाली का जो उत्थान है वो इंडिया में कैसे हुआ था। तो जो सबसे पहले स्टूडियो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो 1929 में प्रभात फिल्म कंपनी, और उसके बाद देश के 1945 जो मेन स्टूडियोज थे इंडिया के उस टाइम के जिसमें बहुत सारे शूटिंग्स किया जाते थे, जैसे कि अभी हमारा प्रोडक्शन हाउस होता है ना वैसे सेम जो स्टूडियोज थे। तो उस स्टूडियोज में अलग अलग मूवीज जो है वो रिकॉर्ड किए जाते थे। और ये जो बात है ना ये जो बताया गया है ना वो काफ़ी अच्छी बात है। ये देख सकते हैं ये देखिए ना ये जो बुकलेट्स आपको दिख रहे हैं ना अभी के टाइम पे आपको टिकट भी नहीं प्रोवाइड करते ऑनलाइन। अगर आप टिकट निकालते हो तो आपके पास टिकट भी नहीं था, स्कैनर दिखा के आप चल जाते हो मूवी देखने के लिए। लेकिन उस टाइम आप वो मूवी देख के आए हो उसके लिए बुकलेट्स दिए जाते थे
और ये बुकलेट्स के अंदर मूवी की शॉर्ट मतलब थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो दिखाई जाती थी, प्लस जो मेन मेन शॉर्ट्स है उसके जो पिक्चर्स है वो दिखाए जाते थे। अगर कोई सॉन्ग होगा मूवीज में तो वो भी यहाँ पे आपको उसके जो लिरिक्स है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाते थे। ये बेस्ट बात है यहाँ की। और यहाँ पे अगर आप गाइड के साथ आना चाहते हो ना तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आप टिकट पर मतलब निकालोगे उसी के अंदर आपको ये गाइड जो है वो मिल जाते हैं। तो आप जब भी टिकट निकालोगे तो वहाँ पे पूछ लेना कि गाइड्स है मतलब अवेलेबल है क्या, अगर वहाँ पे होंगे तो आपके साथ ही आ जाएंगे, अगर वो टूर पे रहेंगे तो आप फटक से जाके ज्वाइन हो लेना क्योंकि आपको जानकारी मिल पाए। आप अकेले घूमेंगे ना मतलब अभी अगर एज अ पर्सन मैं यहाँ पे आता ना घूमता भी देखता अरे हाँ कुछ तो है, क्या है मेरे को कुछ नहीं समझ आता, तो आप यहाँ पे आओगे तो गाइड के साथ ही घूमना वो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो अभी हम हमारे सिक्स पॉइंट पे मतलब सेकेंड लास्ट पॉइंट है वहाँ पे आ चुके हैं, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। अगर देखा जाए तो इंडिया का और वर्ल्ड वॉर टू का मतलब डायरेक्टली मतलब जो बोलते ना संबंध नहीं था, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश लोगों का राज था उस टाइम पे, इसी वजह से यहाँ की जो फोर्स है वो बहुत सारी मतलब भारी मात्रा में ये जो इंडियन आर्मी थी वो उस वॉर में इन्वॉल्व हुई थी, तो उस वजह से यहाँ पे जो क्रीसिस है जैसे कि बंगाल फेमिन, बॉम्बिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू इन 1942, कैमिनल फ्लेयर अब ड्यूरिंग 1946, ये सब जो है मतलब माइग्रेशन वगैरह हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। तो उस टाइम जो स्टूडियो के जो ओनर हुआ करते थे, जैसे मैंने कहा कि स्टूडियोज की जो विकास है वो बढ़ते जा रहा था, बहुत सारे स्टूडियोज बनते जा रहे थे, बहुत सारे मूवीज प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन जो स्टूडियो के ओनर थे उस टाइम में वो क्रिजिस के वजह से उस टाइम स्टूडियोज के ओनर के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो वो लोग टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं किया करते थे। और उस टाइम कैसे होता था कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनता था स्टूडियो का, सपोज अगर आप मेरे स्टूडियो में काम करें तो 2 या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस भीतर आप 2 साल में कहीं और जगह पे नहीं जा सकते, तो एज ए एम्प्लॉयमेंट वो लोग प्रोवाइड करते थे 2 साल आपको हमारे साथ ही काम करना है। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि ये क्रिजिस की वजह से जो बहुत सारे एक्ट्रेस थे वो जैसे अभी फ्रीलांसर्स होते हैं कि एक कंपनी में काम नहीं करते, मैं यहाँ पे भी करूँगा वहाँ पे भी करूँगा इक्वली टाइम डिवाइड करूँगा, और अभी जो हमारी इंडियन सिनेमा है वहाँ पे वैसे ही होता है। आप देख सकते हो एक हीरो की मूवी जो है शूट करने में 2 से 3 साल चले जाते हैं, लेकिन आप देखते हो इस महीने में भी फिल्म आई अगले महीने में भी फिल्म आई, तो वो कैसे होता है कि यहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे भी काम करते हैं। तो उसकी शुरुआत वो हुई थी और 1947 में हमारा जो भारत है वो आज़ाद हो गया था, फिर माइग्रेशन हुआ था, जो पाकिस्तान के लोग थे वो पाकिस्तान में चले गए, इंडियन जो थे वो यहाँ पे रह गए, तो उसकी वजह से बहुत सारा जो इम्पैक्ट था वो इंडियन सिनेमा पे भी हुआ था। ठीक है, तो अभी हम गुलशन महल के 7th और लास्ट पॉइंट में आ चुके हैं जिसका नाम है क्रिएटिव रीजनल्स। तो यहाँ पे आपको कुछ फिल्म्स जो है वो देखने मिल जाएंगे यहाँ पे जो काफ़ी पॉपुलर मूवीज़ थी हमारे इंडिया की, जैसे कि 1950 और 1960 को गोल्डन ईरा ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1952 में लॉन्च हुई मदर इंडिया की मूवी है वो फर्स्ट मूवी थी जिसको मतलब ऑस्कर के लिए जो नाम है वो रिकमेंड हुआ था, तो उसके बाद डायरेक्टली 2001 में लगान हुई। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है मतलब डिस्टेंस है ये 2 मूवीज़ के अंदर। तो उस टाइम का ही कई सारे जो मूवीज़ थे वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे थे और जो इंडियन सिनेमा का विकास था वो बहुत बड़ी मतलब बढ़ते ही जा रहा था। तो यहाँ पे दिया गया सुपरस्टार्स महान आए जो उस टाइम के थे, जैसे कि अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, दया वगैरह, शर्मिला टैगोर एंड राजेश खन्ना, ये बहुत कुछ यहाँ पे जानकारी है आपको दी गई है। और यहाँ पे अलग अलग मतलब अलग अलग जैसे कि लाइट्स हो गए, कैमरे हो गए, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिए गए हैं, उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो जो गुलशन महल है वो हमारा कवर करके हो चुका है, तो अभी हम चलते हैं सेकेंड बिल्डिंग की ओर। ठीक है, चलो। अभी हम लोग सेकेंड बिल्डिंग के जो 4th फ्लोर है वहाँ पे आ चुके हैं। 4th फ्लोर है जैसे मैंने कहा, हम लोग अभी गुलशन महल थे, अभी सेकेंड बिल्डिंग में आ चुके हैं। तो जैसे आप एंट्री करोगे ना तो यहाँ पे आपको टेंट एंड ट्रैवलिंग सिनेमा, ये अभी हमारे जनरेशन को देखने नहीं मिलते, लेकिन उस टाइम क्या होता था कि लैक ऑफ मतलब ज़्यादा लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो ये जो लोग हैं ना वो टैंकों में भर के ऐसा टेंट वगैरह लेके आते थे और मिनिमल प्राइस में आपको जो सिनेमा है वो उस टाइम दिखाते थे। तो अगर आपके मॉम डैड को आप अगर पूछोगे तो वो आपको इसके बारे में बता देंगे। हमारे जनरेशन में हम लोग मोबाइल ओपन करते, सब्सक्रिप्शन लेते और देख लेते, सब कुछ मिल जाता। तो उस टाइम क्या करते थे, ऐसे टेंट बनाते थे, उसके बाहर लगाया जाता था बोर्ड, आपको बताया जाता था कि कौन सी मूवी चालू है। तो बहुत सारे लोग आते थे और मूवीज जो है वो ऐसे स्क्रीन टाइप में देखते थे। और उसमें भी मतलब अभी के कैसे, अभी हम लोग जब मूवी देखने जाते हैं तो आगे वाले सीट का अलग प्राइस होता है, सेंटर वाले का अलग होता है, बालकनी का अलग होता है, सब सेम टाइप उस टाइम भी यूज किया जाता था टेंट के भीतर। मतलब अगर आप जमीन पे बैठे हो तो प्राइस अलग है, अगर आपको कंफर्टेबली सीट पे बैठना है
तो प्राइस अलग है। तो ऐसे अलग अलग प्राइस यहाँ पे बताए जाते थे, ऐसी जानकारी हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने लगे। तो अभी हम लोग वहाँ पे थे, वहाँ से यहाँ पे हम लोग फोर्थ फ्लोर पे। तो लेजेंडरी स्टूडियो ऑफ इंडिया, जो मैंने स्टूडियोज बताए थे ना, जो डेवलपमेंट होते गए स्टूडियोज में, तो कुछ कुछ ऐसे स्टूडियोज हैं जो लेजेंडरी है, उन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है इंडियन सिनेमा पे। और यहाँ पे आने के बाद मुझे ये जानकारी मिली कि संत तुकाराम जो मराठी मूवी थी, वो इंडिया की पहली मूवी थी जो इंटरनेशनल लेवल में, मतलब जो फिल्म फेस्टिवल रहते आउटसाइड में अलग अलग देशों में, वहाँ पे गई थी। तो आप सोच सकते एक मराठी मूवी इंटरनेशनल लेवल पे गई थी उस टाइम, जो पहली मूवी थी। तो मतलब जो मतलब इंडिया का मूवी जो हिस्ट्री है, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप आउट स्टेशन पे देखो, मतलब बाहर के देशों में देखोगे तो बॉलीवुड ये नॉर्मल टैग लगाया जाता है, लेकिन इंडिया में रिलीजन लैंग्वेज में कई सारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज है। इंडिया में कोई एक ऐसे नहीं कह सकता है कि इंडियन फिल्म, मतलब इंडियन फिल्म हिस्ट्री जो है, या फिर इंडियन मूवीज़ की जो बोल सकते हैं संगठना है, जैसे कि अभी बॉलीवुड हो गया, टॉलीवुड हो गया, मराठी फिल्म इंडस्ट्री हो गया। तो जैसे रीजनल लैंग्वेज है अलग अलग, वैसे अलग अलग मूवीज़, जैसे कि बंगाली मूवीज़ हो गए, फिर भोजपुरी मूवीज़ हो गए, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे है। इसीलिए इंडियन फिल्म जो हिस्ट्री वो काफ़ी बड़ी, और यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलेगा। तो बहुत कुछ है यहाँ पे दिखाने लायक। अगर मैं बहुत कुछ, मतलब सब कुछ बोलते रहूँगा ना, तो दो घंटे का मूवी, मतलब जो मूवी बना दूंगा मैं, यूट्यूब वीडियो रहेगा ही नहीं, पूरा मूवी हो जाएगा इसके ऊपर। लेकिन वो हमें आपको बताने नहीं, आपको यहाँ पे आके ये सब एक्सपीरियंस करना है। ये मुंबई में है और ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं, मुझे भी एग्जैक्ट नॉलेज नहीं था, लेकिन यहाँ के मैम है, उन्होंने हमें मतलब मैसेज किया था, तो उनके थ्रू हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारी जानकारी हमें मिल पा रही है। ठीक है, तो चलिए अभी हम चलते हैं वहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ जो सेंसर बोर्ड थे ना हमारे प्रीवियस टाइम के, वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो, सो अभी हम उस पॉइंट पे देख सकते हो, फिल्म सर्टिफिकेशन इन इंडिया। अभी के टाइम पे आप जब भी मूवी ऑन करते हो ना, तो एक सर्टिफिकेशन टाइप आ जाता है ऐसे वाला, जो बोर्ड होता है ना उसके बारे में। लेकिन उस टाइम क्या होता था कि अलग अलग लैंग्वेज में, जैसे कि ये देख सकते हैं बंगाल बोर्ड है, फिर ये सेंट्रल बोर्ड हो गया, फिर बंगाल बोर्ड केंद्रीय फिल्म, और बहुत सारे बुमरा बोर्ड ऑफ सेंसर्स। तो अलग अलग, मतलब जहाँ जहाँ, मतलब अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग सेंसर बोर्ड हुआ करते थे। सपोज अगर बॉम्बे में आपको मूवी लॉन्च करनी है, बॉम्बे में आपको परमिशन मिल जाती थी, लेकिन जब बंगाल में जाते थे तो उसके लिए अलग आपको अप्लाई करना पड़ता था। लेकिन बाद में वो चेंज हो चुका है, अभी मुझे डेट नहीं याद आ रहा कि कब चेंज हुआ है। तो अभी आप कोई भी मूवी देखोगे ना, उसके सामने यही आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर, मतलब जो सेंसर है हमारा सेंट्रल बोर्ड का, वो अभी अगर उन्होंने आपको एक बार मान्यता दे दी, आप यहाँ पे फिल्म लॉन्च कर सकते हो, तो ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी लॉन्च कर सकते हो। तो यही जानकारी आपको यहाँ पे आने के बाद मिलेगी। ठीक है, तो इसी बात पे लाइक करना। चलो अभी हम लोग वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत जानकारी बताते हैं। चलो, हम सबसे फेमस पॉइंट पे आ चुके हैं। ये देख सकते हैं राज कपूर जो जूता है, जापानी का सॉन्ग था ना, उनका ये लुक है, ये देख सकते हो। तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे जो आपको देखने मिल जाएगी ना, यहाँ पे जो मूवीज है वो सीरियस सिचुएशन है ना हमारे इंडिया की, जैसे कि पुअरिटी हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, या फिर कास्ट रहता है, कास्ट वाइज जो मूवीज किया करते थे, मतलब जो सिचुएशन है, मतलब समाज की जो सच्चाई है वो दिखाने की, मतलब यहाँ से पूरे ये फिल्म में दिखाया जाता था। तो ये फिल्म्स कौन से है, कौन से पॉपुलर है, उन फिल्म्स को कौन से अवार्ड मिले हैं, ये सब आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। और सेकंड, आप जैसे इस तरह आ जाओगे, तो यहाँ पे जो पॉपुलर मूवीज है इंडिया की, वो सब आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे और उनके अवार्ड्स। तो यहाँ पे पॉपुलरिटी, यहाँ पे आपको सिर्फ ड्रामा देखने मिलेगा जो रिटर्न होता है, और वहाँ पे जो सच्चाई है वो देखने मिलती है। तो दो टाइप के ऑडियंस रहते हैं, एक लोगों को ड्रामा चाहिए होता है, एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, और कुछ कुछ लोगों को जो सीरियस मूवीज है वो पसंद रहते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे दो दो आपको यहाँ पे सेक्शन बनाए गए हैं, और यहाँ पे बहुत सारी जानकारी आपको दी गई है। ठीक है, तो चलिए अभी हम चलते हैं थर्ड फ्लोर पे वहाँ पे, और मैं आपको थोड़ा बहुत सिनेमैटिक व्यू यहाँ का भी दिखा देता हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग थर्ड फ्लोर पे। ठीक है, और बहुत कुछ है दोस्तों जानने लायक, सच्चे में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे आते हो हमारा मतलब वीडियो देखने के बाद, या फिर आप पहले यहाँ पे आ चुके हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं हमारे थर्ड फ्लोर पे।
सो अभी हम लोग उस पॉइंट पे देख सकते हो इंडियन फिल्म म्यूजिक, ठीक है। मूवी के लिए जो सबसे बेस्ट रहता है आपको मालूम होगा, एक तो एक्टिंग आना चाहिए आपको, दूसरा आपकी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, और थर्ड जो आप म्यूजिक प्ले करते हो उसके ऊपर भी मूवी जो है आपकी पॉपुलर हो जाती है। तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आपको लैंग्वेज दिया गया है, आप कोई भी सॉन्ग सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सॉन्ग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट करना है, कुछ कुछ सॉन्ग्स है उनके आपको यहाँ पे मूवी मतलब जो है वो शो किया जाता है, और अदरवाइज बाकी जो है आप यहाँ पे सुन सकते हो। तो काफी सारे लोग यहाँ पे आके सिर्फ सॉन्ग सुनते हैं, और मजे की बात मैं आपको बताऊं, तमिल गाना शुरू है और मेरे को तमिल आती नहीं लेकिन मैं वाइब्स ले रहा हूँ, काफी अच्छा है यहाँ पे। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे लैंग्वेज दिए गए अलग अलग, और यहाँ पे तीन स्पॉट आपको जो दिए गए हैं जहाँ पे आके आप म्यूजिक जो है वो एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी ये क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ये क्लोज हो गया। अभी हम चलते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की ओर, जो है कॉस्ट्यूम एंड मेकअप। मेकअप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अगर आप इंस्टाग्राम पे देखते होगे ना तो मेकअप करने से पहले वो लड़की कैसे दिखती है, बाद में आए एक नंबर परी, ठीक है। तो मेकअप काफी ज्यादा मैटर करता है हमारे मूवीज में, और ये देख सकते हो जैसे कि गाने नृत्य और नृत्य कला सॉन्ग वगैरह बहुत कुछ दिया गया है, प्लस ये जो कॉस्ट्यूम्स है वो ओरिजिनल है, कौन से मूवीज से वो है, कॉस्ट्यूम है मामूटी, आर्मर ऑफ शिवाजी गणेशन, कॉस्ट्यूम ऑफ एम जी रामचंद्रन। तो ये ओरिजिनल मूवी के कॉस्ट्यूम्स है जो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, और यहाँ पे कुछ कुछ मूवीज है जिसमें आपको कॉस्ट्यूम और मेकअप जो किया गया है वो तो कितना मैटर करता है वो बताता है, क्योंकि जो मेन लैंग्वेज होती है ना आपकी। अभी ये देखिए, ये जो रोल प्ले कर रहे हैं उसके कॉस्ट्यूम से ही पता चल रहा है कि क्या रोल है वो, ठीक है। तो अभी हम लोग थर्ड फ्लोर पे ही मतलब फोर्थ फ्लोर पे ही, तो चलिए अभी हम चलते हैं हमारे थर्ड फ्लोर पे। तो फोर्थ फ्लोर है ना काफी बड़ा और काफी घूमने लायक है, ठीक है। तो चलिए अभी हम चलते हैं हमारे थर्ड फ्लोर पे, चलो। लाइट कैमरा एक्शन। सो अभी हम लोग थर्ड फ्लोर पे आ चुके हैं। थर्ड फ्लोर पे आप जैसे एंट्री करोगे ना तो आपको यहाँ पे दिया है कैमराज इन इंडियन सिनेमा। तो 1890 से लेके अभी तक जो जो कैमरा यूज किए जा रहे हैं फिल्म रिकॉर्ड करने के लिए वो सारे आपको यहाँ पे दिए गए, और कुछ कुछ कैमराज जो है वो अवेलेबल नहीं है तो उसके फोटोज लगाए गए और उसकी जानकारी दी गई, और अदरवाइज ये जो आप कैमराज देख रहे हो जैसे कि ये सोनी का है हाइपर है, तो ये भी है, बहुत सारे कैमराज जो है वो जो फिल्म शूट करने के लिए यूज़ किए जाते थे वो सब के मॉडल आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और ये देख सकते हैं ये ट्रेल जो मतलब जो मूविंग शॉट्स रहते हैं ना, मतलब आपका रनिंग वगैरह हो गया, बहुत कुछ जो शॉट्स होते हैं वो कैसे कैमरा अगर आप ऐसे लेके जाते हो तो स्टेबल नहीं आते, तो उस टाइम ऐसे यूज़ किया जाता है, अभी भी ऐसे ही यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी के टाइम पे कोई खींचने वाला नहीं होता, उस टाइम ऐसे प्रेस करना पड़ता था, पुश करना पड़ता था, पुल करना पड़ता था, तो आपका जो फुटेज है वो अच्छा आता था। तो ये सब जानकारी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। और चलिए मैं अभी आपको एक मतलब एक प्रोजेक्टर दिखाता हूँ जो इंडियन है, मतलब इंडिया में किया जाता है, मेड इन इंडिया, ठीक है। चलो मैं आपको वो दिखाता हूँ, चलो। सो जिस प्रोजेक्टर की मैंने बात की देख सकते हैं, फोटोफोन 35mm विंटेज मूवी प्रोजेक्टर। तो ये देखिए जो निगेटिव रहता है ना, जो क्लिप्स रहते हैं वो यहाँ पे स्टोर किया करते थे, अभी ये ओपन नहीं हो पाएगा। और ये जो प्रोजेक्टर है पूरा, और ये मोटर टाइप है, तो शायद से ये मोटर पे थ्रू मोटर के थ्रू चालू हुआ करता था। और यहाँ पे बहुत सारे लाइट्स वगैरह दिए गए आपको देखने के लिए कि कौन से टाइम पे कौन से लाइट्स यूज़ किए जाते थे। अभी के टाइम पे LED यूज़ किया जाता है आप जब भी शूट वगैरह करने जाते हो, लेकिन उस टाइम देख सकते हो जो ब्लब्स है उसकी साइज है, देख सकते हो कितने बड़े बड़े लाइट्स यूज़ किया जाते थे उस टाइम। तो बहुत सारी जानकारी आपको इस इंडियन मतलब जो नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा है उसके अंदर देखने मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्लेबैक टेक्नोलॉजी। पहले कैसे होता था कि वो वही मतलब जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ कि मैं बात करते जा रहा हूँ वही रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन कई कई बार कैसे होता है जो मूवीज़ वगैरह रहते मतलब जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं उसको बैकग्राउंड म्यूजिक दिया जाता है। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते तो आप देख सकते हम लोग पहले वीडियो शूट करते फिर बैकग्राउंड साउंड देते, तो उस टाइम क्या होता था कि अभी हम लोग लैपटॉप पे दे देते हैं, लेकिन उस टाइम होता था कि ये देखिए इतने बड़े मशीन्स यूज़ किया जाते थे, तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स है वो अलग अलग यूज़ करते, तो एट ए टाइम तीन जो साउंड्स है वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते थे या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो दे सकते थे। और फिर आप यहाँ से इस साइड आ जाओगे ना, तो उस टाइम जो एडिटिंग था मतलब बहुत सारे लोगों को मूवी दिखाई देता था, जो मूवी में दिखाई देते थे उनको फेम मिलता था, लेकिन जो एडिटर हुआ करते थे उनके बारे में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं होती थी, क्योंकि कैसे ये देखिए जो निगेटिव से ये अभी ये लाइट्स में आ चुके तो ये ख़राब हो चुके, ये बेसिक सबको ही मालूम है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता था कि मतलब जो लाइट है कम लाइट एरिया में रह के वो जो वीडियो है वो एडिट करना मतलब काफ़ी बड़ा मतलब डिफ़िकल्ट वर्क होता था। अभी हम लोग सॉफ्टवेयर लेते हैं
दो चार वीडियो डालते, मतलब ज्वाइन करते, मतलब इफेक्ट डाल देते, हो जाता है वीडियो। लेकिन उस टाइम वैसे होता तो नहीं था, बहुत कुछ करना पड़ता था। और ये देखिए, ये जो मशीन से ना, ये देखिए प्लाइसर, तो क्या करते थे, मतलब जो निगेटिव होता था, जैसे कि अभी मैं वीडियो मतलब एडिट कर रहा हूँ, कुछ गलत होता है मैं निकाल के फेंक दूंगा, दूसरा लगा दूंगा, उस टाइम वैसे नहीं होता था। तो जो रोल आता था उसमें जो पार्ट नहीं चाहिए वो कट करके फिर जो पार्ट दोनों पार्ट चाहिए वो स्प्लाइस करने के लिए ये जो मशीन है वो यूज़ किया करते थे। तो उस टाइम का जो एडिटिंग था वो नेक्स्ट लेवल था, अभी का भी है नेक्स्ट लेवल ही है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दैट अभी के टाइम एडिट करना जो है वो काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो यही है हमारे थर्ड फ्लोर की एरिया है। और यहाँ पे कुछ मूवीज दिए गए हैं जो अलग अलग एरा से, मतलब ये 1930 टू 1934, 1970 टू 1960, 1956 टू 97, तो जो बड़े मतलब जो मूवीज़ ज़्यादा फेमस हुए हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं सेकेंड फ्लोर पे। और दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और मोटिवेशन देता है ऐसे वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम चलते हैं सेकेंड फ्लोर पे। चलो, सो अभी हम हमारे सेकेंड फ्लोर पे आ चुके हैं, जिसका नाम है चिल्ड्रंस फिल्म स्टूडियो, जहाँ पे आपको अलग अलग, अभी तक आपने देखा होगा कि मूवीज़ कैसे बनती है, इक्विपमेंट्स क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपको एक्चुअल में वो सब एक्सपीरियंस करने आ जाएगा। जैसे देख सकते हो, फॉले आर्टिस्ट है, एनिमेटर है, डबिंग आर्टिस्ट है, तो ये सब आप यहाँ पे एक्चुअल में ट्राई कर सकते हो यहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन दी गई है, उसका यूज़ करके आप यहाँ पे पूछ लेना, जो गार्ड अंकल है वो आपको बता देंगे कि यहाँ पे कैसे क्या यूज़ करना है। और आपको बहुत सारा नॉइज़ आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे, मतलब ये जो सेकंड फ्लोर है ना, काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे ही रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हो, आपको जो डबिंग करना होता है वो भी आप कर सकते हो, देख सकते हो स्क्रीन यहाँ पे प्ले हो जाएगा। हाँ, और आप ये लगा के आप डबिंग जो है वो कर सकते हो। ठीक है, और ये होने के बाद जो मेन है यहाँ का, ये देखिए VFX स्क्रीन, यहाँ पे देखिए वो जो बच्चे हैं दोनों, ग्रीन स्क्रीन लगाया हुआ है, और वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है ना अंदर। अभी हम जो आए हैं ना, ये देखिए VFX स्क्रीन है, मतलब ग्रीन स्क्रीन है मेरे पीछे। आप यहाँ पे अलग अलग आपको बैकग्राउंड दिए गए, देखिए मैं इसे हाथ ऊपर कर रहा हूँ ना, बैकग्राउंड के ऑप्शन आ गए, मैं अभी बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ। तो ये पूरा बैकग्राउंड जो है, ये जो पूरा बैकग्राउंड है यहाँ पे आपके पीछे आ जाता है, तो आप ये एंजॉय कर सकते हो। और मैं आपके सामने दिख रहा हूँ, इसके लिए यहाँ पे व्यूअर दिख रहा हूँ मैं, आई नो। ठीक है, जैसे आप हाथ ऊपर करते हो बैकग्राउंड गायब हो जाता है, तो हाथ एक ही बार ऊपर करना, ठीक है, और उसके बाद हाथ मत खिलाना, अदरवाइज वो बैकग्राउंड गायब हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो जो सेकंड फ्लोर है वो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे आपको 3D ये दिया गया है, मतलब ये आपका जो ग्राउंड है वो दिया गया है, और वहाँ पे स्क्रीन है, तो यहाँ पे आप फोटो शूट कर सकते हो, मतलब वीडियो रिकॉर्ड्स कर सकते हो। और ये देखिए, ये चिल्लर पार्टी अगर आपने मूवी देखी होगी, तो उसके जो कैरेक्टर्स है ना वो भी आप यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप बच्चों को लेके यहाँ पे आते हो तो ये बेस्ट है उनके लिए, यहाँ पे उनको बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। तो दोस्तों, फाइनली जो है हमारा नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा जो है वो कवर करके हो चुका है। तो अभी मैं आपको ब्रीफली मतलब डिस्क्रिप्शन मतलब बता देता हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन रीड मत करना आप, डिस्क्रिप्शन में तो मैं जानकारी दे ही दूंगा आपको, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। तो ये जो नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा है, इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, 2019-21 चला, मतलब सॉरी 2019 में शुरुआत हुई, 21-22 लॉकडाउन लग गया, फिर 23 में मतलब अभी 23 में फिर रिटर्न ओपन हो चुका है ये। तो यहाँ पे आप आ सकते हो, और ये जो है वो इंडिया में एक ही ऐसे सिनेमा है, और वर्ल्ड में कुल 3 ही ऐसे मतलब जो है मतलब म्यूजियम टाइप बनाए गए हैं, जहाँ पे आपको मतलब जो सिनेमा है उसकी जो पूरी जानकारी आपको दी जाती है। तो सोच सकते हो पूरे इंडिया में एक है, और वो भी अपने मुंबई में है, तो यहाँ पे तो आना आपका बनता है। और यहाँ का आपको टिकट प्राइस में बता देता हूँ, अगर हम भी यहाँ पे 2 हफ्ते पहले आते तो हमको भी 20 रुपीज़ पे करना होता, लेकिन अभी के टाइम पे यहाँ पे आने वाले हर विजिटर को 75 रुपीज़ पर पर्सन पे करने हैं। टाइमिंग है मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग 10 to 6, इस टाइम के भीतर आप आ सकते हो। और यहाँ से ही थोड़ा आगे चले जाओगे ना तो हाजी अली है हमारा, ठीक है, तो हाजी अली वगैरह यहाँ पे भी घूमने आते हो, या फिर महालक्ष्मी भी घूमने आते हो, तो वहाँ से आप यहाँ पे आ सकते हो। तो इजी टू एक्सेसिबल है, मतलब हमारा ये हो गया मुंबई सेंट्रल हो गया, और ग्रैंड रोड हो गया, उसके बीच में ये आपको ये लोकेशन मिल जाएगा। और जो है मतलब नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा काफ़ी बड़ा है, और काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया। और सेकेंड थिंग, आपको यहाँ पे एक बात याद रखना, आप जब भी टिकट निकालोगे तो गाइड के बारे में पूछ लेना, क्योंकि गाइड टूर मस्ट है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई, उसकी जानकारी भी दी गई, लेकिन जो यहाँ के गाइड्स आपको बताएंगे वो आपको नॉर्मली देख के नहीं समझ आएगी।
ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल और एक नए दिन और एक नए जगह पे इसी जज्बे के साथ। और ये मतलब मैं बता देता हूँ, वीडियो देखने वाले 99% लोगों को इस म्यूजियम के बारे में जानकारी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो बेल आइकॉन है मतलब सब्सक्राइब करने के बाद घंटा जो है वो दबा देना, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी हम चलते हैं, हमारा बैग लेते हैं। यहाँ पे बैग रखने के लिए भी आपको सेक्शन दिया गया है, तो बैग लेके घूमना अलाउड नहीं है और वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं है। हम लोग ने मेल किया था, उसके बाद हमें परमिशन मिली, आफ्टर दैट हमने किया, वरना आप कमेंट में बोल दो कि भाई आपने तो किया हमें क्यों नहीं, तो वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल और एक नए दिन और एक नए जगह पे इसी जज्बे के साथ।